नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं सबसे बड़ी खबर। जनपद अंबेडकर नगर शासन द्वारा कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए नागरिकों को बिना चेहरा ढके बाहर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के द्वारा मास्कों की कालाबाजारी को रोकने तथा जन सामान को आसानी से मास्क उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरा कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त आरबी यादव एवं उनकी टीम द्वारा पूरी मुस्तैदी से किया जा रहा है। जनपद के 9 विकास खंडों के मुख्यालयों पर फुटकर बिक्री के लिए आउटलेट खोल दिए गए हैं, जिन पर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिक्री की जाती है। उपायुक्त एन आर्यन एवं आरबी यादव द्वारा बताया गया कि इन आउटलेट्स तथा सूती मास्कों के प्रचार प्रसार के लिए विभागों तथा संभ्रांत लोगों को जानकारी देने के लिए उनके द्वारा स्वयं तथा उनके अधीनस्थ प्रोफेशनल द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक जितेंद्र यादव, हरेंद्र सिंह, आशीष गुप्ता द्वारा वन विभाग, शिक्षा विभाग, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ मिलकर उन्हें मास्क का सैंपल देते हुए उसकी उपयोगिता के विषय में अवगत कराया गया। मास्क सामान्य जन को आसानी से मिल सके, इसके लिए लॉकडाउन में जहाँ एक तरफ सभी लोग घर में कैद हैं, वहीं समूह की दीदियाँ एवं उनकी बच्चियां दिन रात मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। जनपद में अब तक 70,360 से अधिक मास्क तैयार हो चुके हैं। आज स्वतः स्वरोजगार द्वारा विकास खंड जलालपुर एवं दियाओं में मास्क की बिक्री को प्रमोट करने के लिए समाज के प्रतिनिधियों से बात करके श्री सहेंद्र प्रताप वर्मा प्रमुख जलालपुर को 2500 मास्क एवं श्रीमती संगीता यादव के प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख को 2500 मास्क दिया। प्रमुख बेटी तथा अकबरपुर को भी मोटिवेट कर मास्क बेचे गए। विकास खंड जलालपुर की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में महिलाओं द्वारा मास्क बनाए जा रहे सेंटर का भ्रमण किया गया, जिसमें आरबी यादव, उपायुक्त रोजगार, जिला मिशन प्रबंधक अतुल चौधरी एवं समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक उपस्थित थे। 2 सिलाई केंद्रों पर 5-5 दीदियां सिलाई कर रही हैं। उनके चेहरे पर जहां लॉकडाउन की अवधि में रोजगार पाने की खुशी थी, वहीं कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग देकर उन्हें संतोष भी था और गर्व महसूस हो रहा है। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।